श्रद्धे श्री साहेब जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सुख से कैसे जिए? प्रसन्नता पूर्वक कैसे जिए? हम चाहते क्या है? सुख से जीना, आनंद से, प्रसन्नता से जीना। लेकिन क्या सचमुच में हम सुख से जी पा रहे हैं? मन में उदासी नहीं है? मन में अशांति नहीं है? मन में क्लेश नहीं है? जिंदगी भर सुख पाने के लिए आदमी दौड़ता रहता है, लेकिन अनुभव सदैव दुख का करता रहता है। काम करता है सुख पाने के लिए और अनुभव होता है दुख का। क्यों ऐसा होता है? क्या हमारा सुख और दुख दूसरे के हाथों में है? क्या हमें सुख दुख देने वाला कोई बाहर अलग बैठा हुआ है दूसरा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सुख और हमारा दुख दोनों हम पर निर्भर है, अपने सुख के लिए और अपने दुख के लिए, दोनों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। चाहे वह बाहरी हो, व्यवहारिक, चाहे वह भीतरी हो, आंतरिक, मानसिक। सुख से कैसे जिए? भौतिक विकास भी करना है, भौतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं भी चाहिए, लोगों के साथ रहते हैं उनसे व्यवहार भी करना है, भौतिक विकास भी हो, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार भी हो और प्रसन्नता सुख से हमारा जीवन व्यतीत हो, हर समय आनंद से मन भरा हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप सब जानते हैं, जो बातें आप जानते हैं उन्हीं को अपने शब्दों में मैं दोहरा रहा हूं। सबसे पहले हमारे सामने हमारा शरीर है और शरीर का निर्वाह है, साथ साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनके लिए हमारा कर्तव्य है, उनके भी भरण पोषण और रक्षण का हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए क्या करना है? जैसा हमारा समय है, जो हमें समय, शक्ति, योग्यता प्राप्त है, उसके अनुसार भरपूर परिश्रम, ये याद रखना होगा, सदैव मन में बिठा करके रखना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसलिए किसी भी काम को छोटा ना समझें, किसी भी काम से घृणा ना करें। जिस काम से हमारा भौतिक विकास होता हो, दूसरों को सेवा मिलती हो, साफ सफाई आदि होती हो, ऐसा कोई भी काम छोटा काम नहीं है।
छोटी हमारी भावनाएं होती है, छोटी हमारी सोच होती है, छोटा हमारा चिंतन होता है। इसलिए जो भी काम करना हो प्रसन्नता पूर्वक और पूजा समझकर। सद्गुरु कबीर ने तो ये कहा है, जह जह डोलू सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाऊ दूजा। अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को, अपने विचारों को इतना उदात्त और पवित्र बना ले, जीवन के हर कर्म को इतना शुभ बना ले कि आपका आना जाना, खेत जाना, खलिहान जाना, दफ्तर जाना, कारखाना जाना, कहीं भी आना जाना परिक्रमा बन जाए। मंदिर जाते हैं, मंदिर में आप दर्शन करते हैं और फिर मंदिर की परिक्रमा करते हैं। अपनी सोच को उस एक छोटे से मंदिर में सीमित ना करें। कबीर साहब कहते हैं ये पूरी दुनिया भगवत मंदिर है। पवित्र भावना से, पवित्र मन लेकर के कहीं भी जाओगे वो परिक्रमा है। और जो कुछ करो तो पूजा, शुद्ध हृदय से, प्रेम से, समर्पित भावना से, सेवा समझ करके कुछ भी काम करेंगे वह पूजा है। आप अपने हर काम को पूजा बना लो। जब काम को पूजा बना लोगे तो छोटा सा छोटा काम जिसे आप मानते हो वो आपको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा देगा, ऊंचाई तक पहुंचा देगा। काम छोटा कौन है? जिन महापुरुषों की हम पूजा करते हैं, दुनिया जिनके सामने झुकती है, जिनको आदर्श मानती है, उन महापुरुषों को देखो। हम लोग सद्गुरु कबीर को अपना इष्ट मानते हैं, कबीर अनुयायी हैं। कबीर साहब ने कपड़ा बुनने का काम किया था। कबीर साहब के साथी संत रैदास जूता बनाने का काम करते थे। कबीर साहब के ही जमाने के उनका एक और साथी संत सेना बाल बनाने का काम करते थे। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में जो सबसे बड़े माने जाते हैं वे हजरत मोहम्मद बकरी और ऊंट चराने का काम करते रहे। संत ईसा बढ़ईगिरी का काम करते रहे। उनके पिता यूसुफ बढ़ई थे तो उनके साथ उन्हें बढ़ईगिरी का काम करते रहे थे। और हिंदू लोग जिनको पारब्रह्म परमेश्वर 16 कलश युक्त भगवान मानते हैं वे श्री कृष्ण गाय चराने का काम करते हैं। छोटा कौन है इनमें से? जूता बनाने को आप छोटा काम, जूता बनाने को आप अच्छा आदमी नहीं मानते, सोचते हैं अरे ये तो गंदा काम है, तो छोटा आदमी है। बाल बनाने वाले को बड़ा आदमी नहीं मानते, बाल बनाने को छोटा काम मानते हैं, कपड़ा बनाने को छोटा काम मानते हैं। जूता बनाने वाले रैदास जैसे होकर तो बताओ पहले। महान संत रैदास जूता बनाने का काम करते रहे। तो काम कौन छोटा है? नाली साफ करना, सीवर साफ करना, टॉयलेट साफ करना भी पूजा है। यदि मन की भावना पवित्र है तो टॉयलेट भी उसी भावना से साफ करो जिस भावना से आप मंदिर में बैठ करके पूजा करते हो। टॉयलेट साफ करना छोटा काम क्यों है? कोई कहीं गंदगी पड़ी हुई है उसे साफ करना छोटा काम क्यों है? गंदगी करके जगह को गंदे करने वाला बड़ा आदमी है
और गंदगी को साफ कर देने वाला छोटा आदमी है, ये कौन सी अकल है, कौन सी बुद्धिमानी है? किसी ने गंदगी कर दी, बिष्ठा कर दिया और उसको किसी ने साफ कर दिया, उस गंदगी को, उस विष्ठा को साफ करने वाला छोटा आदमी और अपने अपने पेट में विष्ठा भरे हुए हैं, तब वो कौन बड़े आदमी? किसकी कौन ऐसा कह सकता है जो मेरे पेट में विष्ठा नहीं है, मल नहीं है, टट्टी नहीं है? टट्टी लेकर घूमने वाला बड़ा आदमी और साफ करने वाला छोटा आदमी? ये अकल जब तक बनी रहेगी कि टॉयलेट साफ करने वाला, सीवर साफ करने वाला छोटा आदमी है, कभी मनुष्यता को समझ नहीं पाओगे। मनुष्यता को क्या, भगवान की पूजा करते रहो, भगवान को समझ नहीं पाओगे। भगवान भगवान कहना अलग बात है, भगवान को समझना अलग बात है। कोई भी आदमी किसी आदमी से घृणा करता है, अब कोई आदमी हत्यारा है, व्यभिचारी है, बलात्कारी है, कुकर्मी है, उसके साथ तो रहना संभव नहीं होगा, लेकिन मन से उसके लिए भी हमारे मन में प्रेम हो, सद्भावना हो कि वह आदमी शुद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए। लेकिन किसी भी आदमी से हम यदि घृणा करते हैं, वो छोटी जाति का है, वो नीच जाति का है, ये घृणा करना भयंकर पाप है, ये हमारे अहंकार का परिणाम है ये, और इसी अहंकार ने हमारे भारत देश को, इसी पाप ने हमारे भारत देश को डुबा दिया है। दुर्भाग्य से ये पाप अभी भी चल रहा है। तो मैं कह रहा था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, इसलिए जब जो भी काम करने का अवसर हो वह काम डूब करके करें, पूजा समझ करके करें। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, कारू रहम ततो भीषक उपल प्रचिनी नना नाना धियो वसुईव अनुगायम तस्थिम इंदो इंदाय परिस्रवा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, माना जाता है कि ऋग्वेद अपौरुषेय है, हिंदुओं के हिसाब से ईश्वरीय वाणी है, लेकिन इतना तो साफ है, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो ऋग्वेद है। अब पूरे ऋग्वेद को पढ़ करके आप देखो, वैदिक ऋषि किसी भी काम से घृणा नहीं करते, वे बाल बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, अन्य सारे काम करते हैं, गाय भी चराते हैं, लड़ाई भी लड़ते हैं, सबका सब काम करते हैं। इस मंत्र में ऋषि कहते हैं, कारू रहम ततो भीतर उपल पक्षिनी नना। ऋषि कहते हैं कि मैं बढ़ई हूं, कारीगर हूं। अब उसको आप चाहे लोहार कहो, सुनार कहो, बढ़ई कहो, जुलाहा कहो, दर्जी कहो, कुछ भी कह सकते हो आप, ये सब शिल्पी हैं। मैं कारीगर हूं, मेरा पिता वैद्य है, दवाई कुटने का काम करता है, और मेरी माँ भड़भूज का काम करती है, चना आदि भूनने का काम करती है। एक ही परिवार में लड़का कारीगर, बेटा कारीगर, पिता वैद्य और माँ भड़भूज का काम करने वाली, कौन छोटा है, कौन बड़ा है? इसलिए हर काम को पूजा समझ लीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता है, समर्पित भाव से करो। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे प्रायः, जो करना है डूब करके, गुरुदेव जी कहते हैं यदि निष्ठा पूर्वक तत्परता के साथ मिट्टी बेचते रहोगे, खाली मिट्टी बेचते रहोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी मिट्टी सोना बन जाएगी, और यदि निष्ठा नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है,
बिना निष्ठा के, बिना प्रेम के, बिना समर्पण के सोना बेचोगे, एक दिन आपका सोना मिट्टी बन जाएगा। ध्यान रखना, शाम का काम करने वाला बाटा बन जाता है और लोहा काम करने वाला टाटा बन जाता है। ये बाटा कौन है? शाम का काम करने वाला है तो है ना। टाटा कौन है? लोहे का काम करने वाला। आवश्यकता निष्ठा की है, आवश्यकता प्रेम और समर्पण की है। तो सुख से जीने के लिए, भौतिक विकास निर्वाह के लिए सबसे पहले आवश्यकता है। जो भी करना हो निर्वाह सेवा का काम, प्रेम से करें। कोई काम छोटा नहीं होता। हाँ, कुछ काम छोटे होते हैं, लेकिन जो काम सचमुच में छोटे हैं उसको लोग बड़े प्रेम से कर रहे हैं। छोटा कौन है? चोरी करना छोटा काम, भूत लेना छोटा काम, किसी की हिंसा हत्या करना छोटा काम, दुकान में बैठकर माला मिलावटबाजी करना, काला बाजारी करना छोटा काम, गबन घोटाला करना छोटा काम, पराई बहु बेटी पर कुदृष्टि करना छोटा काम, किसी के घर में आग लगाना छोटा काम। अब ये सारे छोटे काम बड़े प्रेम से लोग कर रहे हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। एक और भगवान की भक्ति और एक और भगवान भक्ति के नाम पर सारा दुराचार। ये छोटे काम है, इन छोटे कामों को कभी भी भूल करके मत करो। निर्वाह के सेवा के सारे काम बड़े हैं। दूसरी बात, भरपूर परिश्रम के पश्चात जो मिल जाए उसको बहुत समझे, उसमें पूरा संतोष रखे। बिना संतोष के आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। अपनी कमाई से जो मिले, मैंने कहा कि प्राप्त समय शक्ति योग्यता अनुसार से भरपूर काम कर रहा, मैं आलसी बनने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे जो मिल जाए पर्याप्त है, उसमें पूरा संतोष रखे। संतोषी सदा सुखी, ये कहावत केवल कहावत नहीं है, हकीकत है। दूसरे की चीज को देख करके ललचाओ मत। ये जब तक ललचाते रहोगे सदैव दरिद्र बने रहोगे। एक दरिद्रता होती है बाहर की। दरिद्रता क्या है? भरपूर मेहनत करने के बाद भी 24 घंटे में एक बार भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है तो सचमुच में दरिद्रता है, और ऐसी दरिद्रता भयंकर दुखदाई है। लेकिन ऐसी दरिद्रता आज कहीं नहीं है। हमारी सरकार, पूरे भारत की सरकारों ने, हर प्रदेश सरकारों ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई आदमी भूखा ना मरे। अब कोई आलसी हो, कामचोर हो, दुर्व्यसनी हो, शराबी कबाबी हो, उसकी बात अलग। तो एक दरिद्रता होती है बाहर की, और वह है भरपूर मेहनत करने के बाद भी जीवन निर्वाह की चीजें पर्याप्त मात्रा में न मिलना। और एक दरिद्रता होती है भीतर की, वो क्या है? असंतोष। भागवतकार से किसी ने पूछा, कहते जाता है कि भागवत को वेद व्यास जी ने बनाया, वेद व्यास जी से भागवत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन खैर, भागवत बनाने वाले से किसी ने पूछा, दरिद्र कौन? भागवत बनाने वाले कहते हैं, दरिद्र यस्त संतुष्ट, कृपणो यो अजितेन्द्रिय, गुणेश शब्द धीरिशो, गुण संगो विपर्य। दरिद्र कौन? जो असंतुष्ट है। असंतोष की कोई सीमा नहीं है।
आप ये सोचिए कि कितने में आपको संतोष मिल जाएगा। एक दिन में आप 1,00,000 कमाओ तो क्या संतोष हो जाएगा? संतोष चीजों से नहीं होता है, संतोष अच्छे विचार से होता है, अच्छी समझ से होता है, अच्छे चिंतन से होता है। थोड़े में भी आप संतोष कर सकते हो, चिंतन सही है तो जो मिल जाए उसमें संतोष। किसी दूसरे की चीज को देख करके ललचाओ मत, उसका उसका है, आपका आपका है। ललचाते रहोगे उसके पास ही है, उसके पास ही है, उसके पास ही है, कभी सुखी जीवन नहीं जी सकोगे। और दूसरे की चीज को देख करके ईर्ष्या मत करो, जलो मत, किसी को पिछाड़ने की नौबत, किसी पिछाड़ने की बात मन में लाओ ही मत। आज होड़ मची है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने की, बढ़ो भी इतना बढ़ सकते हो, लेकिन किसी को दबा करके नहीं, किसी को सता करके नहीं, किसी के पेट में लात मार करके नहीं, किसी का अधिकार छीन करके नहीं, किसी का रास्ता रोक करके नहीं। ईमानदारी पूर्वक बढ़ो, न्याय से बढ़ो, नीति से बढ़ो, सदाचार से बढ़ो। ऐसा जब बढ़ोगे तो आपके मन में हर समय आनंद रहेगा, संतोष रहेगा, मन जलेगा नहीं। और किसी को दबा करके, सता करके, किसी के पेट में लात मार कर, किसी की खुराक छीन कर, किसी का रास्ता रोक करके आगे बढ़ जाओगे, चीजें मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, मंत्री बन जाओगे, लेकिन मन सदैव जलता रहेगा। न तो सुख से सुखपूर्वक बैठ करके खा सकोगे, न तो सुखपूर्वक रात में नींद ले सकोगे। इसे ईमानदारी की कमाई में संतोष नहीं है, बेईमानी कमाई में संतोष कैसे हो सकता है? ये संतोष यही भक्ति का फल है, ये संतोष ये धर्म का फल है। यदि आपको अपने भाग्य पर विश्वास है, यदि आपको अपने कर्म पर विश्वास है, यदि आपको अपने भगवान पर विश्वास है, तो दूसरे की चीज को देख करके ललचा क्यों रहे हो? दूसरे पछाड़ने का सोच क्यों रहे हो? काम करो, चीजें तो मिलती चली जाएगी, लेकिन संतोष कहां है? आगे 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 ही बढ़ना यदि चाहते हैं, किसी को पछाड़ना चाहते हैं, तो दया करने के मामले में, क्षमा करने के मामले में, संतोष करने के मामले में, सेवा करने के मामले में, दान के मामले में, त्याग के मामले में, सहनशीलता के मामले में पिछाड़ कर देखो, जीवन बदल जाएगा। लेकिन ये बात तो दिमाग में आती ही नहीं, खाली पैसा पद प्रतिष्ठा यहां पिछाड़ने की बात है। और जो आदमी पद पैसा पीछे पीछे प्रतिष्ठा पीछे दौड़ेगा, न भक्ति समझता है, न धर्म समझता है, न भगवान समझता है, उसके लिए पद पैसा प्रतिष्ठा ही सब कुछ हो जाता है। दिखावा करेगा भक्ति का, दिखावा करेगा मंदिर जाने का, लेकिन केवल दिखावा से जीवन नहीं बदलेगा। दिखावा करते करते बहुत कुछ हो गया, क्या मिला आज तक? हमने धर्म को भी एक व्यापार बना रखा है, हमने भक्ति और पूजा को भी एक व्यापार बना रखा है। अब व्यापार में तो घाटा मुनाफा लगा रहता है, वहां भी केवल असंतोष असंतोष असंतोष। मंदिर जाने वालों में जितने भी लोग हैं, 100 में एक आदमी धार्मिक होगा, बाकी सब या तो भिखारी हैं या व्यापारी हैं। पूजा इसलिए कर रहे हैं भगवान खूब हो जाए, व्यापार में मुनाफा हो जाए। पूजा इसलिए कर रहे हैं बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए। पूजा इसलिए कर रहे हैं मुकदमा में विजय मिल जाए। पूजा इसलिए कर रहे हैं कि पत्नी या बेटे की बीमारी ठीक हो जाए। व्यापार तो चल रहा है, पूजा कहाँ हो रही है? भक्ति कहाँ हो रही है? धर्म कहाँ हो रहा है? मुझे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपसे प्रेम करने वाला हूँ, केवल मैं आपके लिए मंदिर में आता हूँ,
सौ में एक मिल भी जाए तो समझना बहुत मिल गया। टटोले अपने हृदय को कि मंदिर में क्यों जाता हूं, या तो लोभ में पड़ करके या भय में पड़ करके। पूजा नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएगा, भय है। और जहां भय है वहां धर्म नहीं होगा, जहां भय वहां भक्ति नहीं होगी, जहां भय वहां भगवान नहीं होगा। या लोभ में है, पूजा करेंगे भगवान खुश हो जाएगा, हमारा हमारे ये कर देगा, व्यापार तो चल रहा है। लोभी और भयभीत आदमी भक्ति धर्म भगवान को समझ ही नहीं सकता, उसका सब कुछ खाली व्यापार चल रहा है और असंतोष मन में बना हुआ है, सुख से कैसे जियोगे। भक्ति ही करना है तो श्रद्धा पूर्वक करो, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से करो। एक सज्जन मिले, के महाराज 20 साल हो गए मंदिर जाते जाते, भगवान की भक्ति करते करते, पूजा करते, पाठ करते, सब कुछ करते, महाराज सब कुछ तो मिला, मन की शांति नहीं मिली, मन हमेशा अशांत रहता है, भटकता रहता, परेशान रहता है। मैंने उनसे कहा, ठीक है आप 20 साल से भक्ति जा रहे हो, 20 साल से मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, जरा ख्याल करो इस 20 साल में आपने अपने भगवान से कितनी बार कहा होगा कि भगवान मुझे कुछ मत देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मन की शांति चाहिए। कितनी बार मांगा, मांगा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ। धन मांगा मिल गया, परिवार मांगा मिल गया, पद मांगा मिल गया, चीजें मांगी मिल गई, शांति मांगी ही नहीं तो मिलेगी कहां से आपको। शांति के लिए कौन जाता है, मन की प्रसन्नता के लिए कौन मंदिर जाता है, वो तो व्यापार करने के लिए, भीख मांगने के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया की चीजों को जीवन का लक्ष्य बना लिया। चीजों की आवश्यकता है, पैसा भी चाहिए, पद भी चाहिए, मकान चाहिए, परिवार चाहिए और चीजें चाहिए, लेकिन उसके लिए परिश्रम करो। किसी भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करना है तो सिर्फ मन की सात्विक भावना के लिए, प्रसन्नता के लिए, निर्मलता के लिए, शांति के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए पूजा करो, उसके लिए भक्ति करो, उसके लिए धारण करो, तब वो पूजा वो भक्ति जीवन में उतरेगी, तब धर्म जीवन में उतरेगा। और तब जो चाहते हैं ना, प्रसन्नता, शांति, सुख सबका अनुभव होने लग जाएगा। मैं कह रहा था मेहनत और परिश्रम से जो मिले उसमें पूरा का पूरा संतोष। दूसरे की चीज को देख करके कभी ललचाओ मत, उसका उसका है और आपका आपका है। जहां ललचाए वहां दरिद्र बने, जहां ललचाए चीज बड़ी हो जाती है और हम छोटे हो जाते हैं। मैंने शायद परसों कहा था कि मालिक बनकर के जीना सीखना होगा, गुलाम बनकर के नहीं, और हम गुलाम बनकर के जी रहे हैं। अमुक चीज मिली मन अनुकूल, बड़े प्रसन्न, मन अनुकूल चीज नहीं मिली दुखी, ये तो गुलाम का जीवन है। चीज मिल गई उपयोग कर लो, नहीं मिली याद भी मत करो कि नहीं मिली, क्यों नहीं मिली। दुनिया की छोटी बड़ी जो भी चीजें हैं, कुछ भी हो, जिन्हें आप सस्ती से सस्ती कहते हो और महंगी से महंगी कहते हो, कुछ भी चीज हो वो आपके लिए है, आप चीजों के लिए नहीं है। सोच लो एक बार एकांत में बैठ करके, चीजें आपके लिए है या आप चीज के लिए हो, पैसा आपके लिए है या आप पैसा के लिए हो। यदि पैसा आपके लिए है तो जो मिलेगा संतोष रहेगा, लेकिन आप पैसा के लिए हो, पैसा बढ़ता जाएगा और आप बिकते चले जाएंगे, आपका आनंद ले नहीं पाओगे। यदि पैसा आपके लिए है तो आप गुलाम हो,
नहीं, पैसा आपके लिए है तो आप मालिक हो, और आप पैसा के लिए है तब आप गुलाम हो। और गुलाम सोचते कैसे जिए, पैसा कमाओ और लेकिन सही उपयोग करो, उसे गुलाम बन करके न रहो, उसका अहंकार मत करो, दास मत बनो। इस संदर्भ में मैं एक बात कहा करता हूं, समझाने का तरीका है, कोई मेरा उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि चित्र बना होता है, क्षीरसागर चित्र बना है, शेषनाग है, शेषनाग पर विष्णु लेटे हुए हैं और पैताने बैठ करके लक्ष्मी विष्णु का पैर दबा रही है। लक्ष्मी धन की देवी है, माया की देवी है, विष्णु जगतपति है। विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, महान, श्रेष्ठ। तो विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पैर दबा रही है। एक चित्र यह देखा है आपने, एक चित्र आपने ये देखा होगा कि खाली विष्णु वहां नहीं है, लक्ष्मी है, खड़ी हुई है, हाथों से स्वर्ण मोहरे झड़ रहे हैं और बगल में एक चित्र बना होता है उल्लू का। माना यह जाता है कि उल्लू लक्ष्मी का वाहन है, जैसे शिव जी का वाहन नंदी है, कार्तिकेय का वाहन मयूर है, गणेश का वाहन चूहा है, ऐसा माना जाता है। और जितने देवी देवता हैं सबका कोई ना कोई वाहन मानते, दुर्गा का वाहन शेर है। ऐसे यह माना जाता है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। और उल्लू पर बैठेंगे कहां बैठेंगे, सिर के पास ही तो बैठा जाएगा ना, इसे आप समझना है। यदि आप पैसा कमा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसे का अहंकार नहीं कर रहे हैं, जोड़ जोड़ करके नहीं रख रहे हैं, किंतु खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, विनम्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप विष्णु बन जाओगे, क्योंकि आपने लक्ष्मी को पैर पर रखा है, सिर पर नहीं रखा। लक्ष्मी को सदैव पैर पर रखोगे मतलब कमाओ, खाओ, खिलाओ, अहंकार मत, बिना बनकर रहो, तो आप विष्णु महान बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे। और लक्ष्मी का पैसे का अहंकार करोगे तो उल्लू बन जाओगे, मर्जी आपकी। उल्लू भी आप बन सकते हैं और विष्णु भी आप बन सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज को देख करके ललचाना नहीं है। जो मिला है आपके भाग्य से, प्रारब्ध से, पुरुषार्थ से, संतोष, ये दूसरी बात सुख से जीने के लिए। तीसरी बात, जिस परिवार में रहते हैं, दो हो चार हो, पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, भाई हो, जो भी दो चार हो, परस्पर में सुंदर प्रेम, विश्वास, सेवा और समर्पण, यदि ये चार है परिवार सदस्यों में, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। दो ही हैं, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे प्रति विश्वास नहीं है, पति पत्नी का जीवन ही नरक बन जाएगा। नरक कहीं बाहर नहीं है। जिस परिवार में आपस में कला है, तू है, मैं है, माता पिता के लिए आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सेवा नहीं है, बेटे बहू के स्नेह नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, संदेह है, नरक देखना है तो उससे बड़ा नरक आपको कहीं मिलेगा नहीं। प्रेम और विश्वास, अब प्रेम 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 देने से मिलेगा, चाहने से नहीं मिलेगा। विश्वास करना सीखें, आप पर भी लोग विश्वास करते जाएंगे। हम दूसरे पर संदेह कर रहे हैं और चाहते हैं कि सामने वाला मुझ पर विश्वास करे, कैसे होगा? दूसरे का विश्वास जितना है उस पर विश्वास करना शुरू करो। दूसरे का प्रेम चाहते हैं, प्रेम देना शुरू करो। स्नेह चाहते स्नेह देना शुरू करो। सेवा चाहते सेवा देना शुरू करो। जो देंगे वो लौट करके मिलेगा। हम चाहते हैं विश्वास और रखते हैं मन में संदेह। हम चाहते हैं प्रेम और रखते हैं मन में कड़ता। सामने वाला प्रेम कर रहा है, इसका अनुभव कैसे होगा?
प्रेम और विश्वास एक ऐसा धातु है जो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ करके रखते हैं। संगन कहा करते हैं, सुबह उठिए और उठकर बिस्तर पर बैठ जाइए, दो पांच मिनट, चाहे आप मुंह धोकर बैठ जाए चाहे ऐसे बिना मुंह धोकर के, दो तीन मिनट ही पर्याप्त हो सकता है। और बिस्तर पर बैठ करके तीव्रता पूर्वक पूरी भावना के साथ, प्रेम के साथ यह सोचिए, संकल्प करिए कि मेरा घर देव मंदिर है। घर में रहने वाली जितनी नारियां हैं, किसी भी उम्र की हो, किसी भी रिश्ते में हो, समझें ये देवी हैं, भगवती हैं। और जितने पुरुष हैं वे भी किसी रिश्ते में हो, किसी भी उम्र में हो, सोचें ये देवता है, ये भगवान है। पूजा क्या है? जो अपने से बड़े हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पद में, उम्र में, मर्यादा में, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति आदर, सम्मान, सेवा, उनकी उचित आज्ञा का पालन। जो रिश्ते में बराबर है, पति पत्नी, भाई भाई, ननद भावा, देवरान जेठान, परस्पर में प्रेम, समता, एकता, सहयोग की भावना। और जो छोटे बच्चे हैं, पद उम्र आदि में मर्यादा में छोटे हैं, उनके लिए स्नेह, करुणा, वात्सल्य का भाव, उनकी उचित रक्षा, आपका घर मंदिर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। और यदि घर के लोग के प्रति प्रेम नहीं है, उपेक्षा है, तिरस्कार है, अविश्वास है, कड़ता है, तो जिंदगी भर मंदिर चले जाते रहोगे, रहोगे दुखी के दुखी। कोई भगवान आपकी सहायता करने वाला है नहीं, किसको धोखा दे रहे हो? प्रत्यक्ष भगवान घर में बैठे हैं, उनकी उपेक्षा। अब मंदिर के भगवान की पूजा, अब मंदिर भगवान की पूजा करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को मना नहीं करता कि मंदिर मत जाओ। लेकिन यदि जीवित प्राणियों में, माता पिता, पति पत्नी, बेटे बहू, भाई आदि में भगवान नहीं दिखता, देवता नहीं दिखता, तो आपको भगवान कहीं मिलने वाला है नहीं। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, कबीर साहब जितने आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान। सेवा नहीं कर सकते तो कर्ता तो करना छोड़ दो, विश्वास नहीं कर सकते तो संदेह करना छोड़ दो, प्रेम नहीं कर सकते तो द्वेष, ईर्ष्या और घृणा करना, बैर करना छोड़ दो। अपने लिए, और यदि ये नहीं है तो जीवन तो नरक बना ही रहेगा। चाहे कुछ बन जाओ, चाहे चाहे कुछ चले जाओ, चाहे जितना प्राप्त कर लो, सुख से जियोगे नहीं। जब पत्नी के लिए विश्वास नहीं, पति के लिए विश्वास नहीं, भाई बेटे के लिए विश्वास नहीं, सास बहू के लिए विश्वास नहीं, नींद में भी बढ़िया आपको नींद नहीं आएगी, लगेगा कि कोई आ रहा है दबाने के लिए। विश्वास, जैसे हम मकान बनाते हैं, नींव खोद करके शुरू करते हैं तो ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारी दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन खाली ईंट पर ईंट रखने से दीवार जुड़ती नहीं, दीवार बनती नहीं है। ईंट से ईंट की पकड़ जब बनी रहेगी, एक ईंट से दूसरी ईंट जब जुड़ी रहेगी, तब ईंटें टिकेगी, तब दीवार बनेगी। और ईंट से ईंट की पकड़ बनी रहे, ईंट से ईंट जुड़ी रहे, इसके लिए हम एक मसाले का प्रयोग करते हैं, चाहे चूना और सीमेंट हो, चाहे सीमेंट वालों कोई भी मसाला प्रयोग करते हैं। ये समझना होगा कि घर में छोटे बड़े जितने भी सदस्य हैं, स्त्री पुरुष कोई भी हो, एक एक ईंट के समान है। इनको जोड़ने के लिए मसाला है प्रेम और विश्वास, और वही नहीं है, परिणाम क्या होगा? बिखरते देर नहीं हो। रहोगे भले, लेकिन आपका घर घर नहीं होगा।
धर्मशाला रहेगा। दुर्भाग्य से आज हमारा मकान घर नहीं बना धर्मशाला। धर्मशाला में जाते हैं आप, रह बहुत लोग हैं लेकिन विश्वास नहीं है किसी पर, संभाल करके रहते हैं। यदि घर घर पत्नी पर, पति पर, भाई पर, पिता पर, पुत्र पर, कहीं पर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपका घर घर नहीं है, धर्मशाला है। और धर्मशाला में आप किसी की विश्वास जीत नहीं सकते हो, तो सुख से सोओगे कैसे, सुख से जियोगे कैसे? इसलिए तीसरी बात, सुख से जीना है तब जिस परिवार में रहते, जिनके बीच रहते हैं प्रेम, विश्वास, सेवा, समर्पण और सबसे मीठी कोमल वाणी में बात। यदि यह है, सचमुच में आपका परिवार मंदिर बन जाएगा और परिवार के सदस्य देवी देवता बन जाएंगे, फिर आपको बार बार लगेगा कब मैं जल्दी घर आऊं। और यदि आपको यह लगता है आप कहीं बाहर काम करते हैं, कहीं भी हो कि दफ्तर में, कारखाना में या कहीं काम करते हैं, आप ये सोचते हैं थोड़ा देरी करके घर जाऊं तो अच्छा है, क्योंकि घर घर में जाते हैं किचकिच मचेगी, मत जाना है, जानबूझ करके घर आने में आप देरी करते हैं। और घर वाले सोचते हैं को जितनी देर से घर आओ उतना अच्छा, तो समझना नरक वहीं है। आपके मन में यह हो कि कितना जल्दी काम समाप्त करूं और अपने घर जाऊं, पत्नी से, पिता से, माता से, बेटे से, बहू से मिलकर बात करूं। घर वाले सोचते हैं कि कब बेटा आए, पत्नी सोचती कब पति आ जाए, पुत्र सोचते कब पिता आ जाए, तो समझना वहां आपके घर में स्वर्ग निवास है। आपको घर जाने की जल्दीबाजी हो और घर वाले को आपका इंतजार हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी नहीं है तो कौन सी भक्ति है, कौन सा भगवान की पूजा है, कौन सा कुछ हो रहा है, कैसे सुख से जियोगे? चौथी बात, हम मनुष्य हैं, और मनुष्य कहा गया है मननात् मनुष्य, जो मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है, उस प्राणी का नाम है मनुष्य। मनुष्य में मन का भरपूर विकास है और मन का काम है सोचना। इसलिए जब सोचे, जिसके लिए सोचे, जो सोचे, शुभ सोचे, सकारात्मक सोचे, प्रेम की बात, दया और क्षमा की बात सोचे, नकारात्मक विचार, नकारात्मक चिंतन जैसा जहर दुनिया में कहीं भी नहीं है, और सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक विचार जैसा अमृत, सकारात्मक विचार जैसा टॉनिक दुनिया में अभी तक किसी डॉक्टर ने नहीं बनाया है। जब हम किसी के लिए भी नकारात्मक सोचते हैं, देश की, घृणा की, ईर्ष्या, क्रोध की बात सोचते हैं, हमारे शरीर से ऐसे ऐसे रसायन, ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि पूरे शरीर को जहरीला बना देते हैं। फिर चाहे जो खाओ ताकत नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं बनेगा। क्रोध की स्थिति में, देश की स्थिति में, ईर्ष्या घृणा की स्थिति में, नकारात्मक चिंता की स्थिति में अमृत भी खाओगे तो जहर बन जाएगा, क्योंकि पूरा पूरा शरीर जहरीले रसायन से भरा हुआ होगा। और जिस समय मन में प्रेम हो, अच्छे विचार हो, ज्ञान भक्ति के विचार हो, धर्म के विचार हो, सेवा सद्भावना के विचार हो, दया क्षमा के विचार हो, उस समय अच्छे विचार से प्रसन्नता पूर्वक हंसी के साथ सुखी रोटी भी खाते जाओगे तो सारे विटामिन प्रोटीन आपको मिलते चले जाएंगे, तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए कुछ और कर सको या मत कर सको, हर समय मन में अच्छे विचार, हर समय अच्छे विचार। इसमें कौन आपको लगेगा? आप ये नहीं कह सकते जैसे यहां बाबू गुरु ने सत्संग का आयोजन किया, कोई नहीं आया, कभी मैंने आपको निमंत्रण दिया था आप आए नहीं, कहेगा बाबू गुरु आना तो चाहता था
समय नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली, इसलिए नहीं आया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते अच्छा सोचने के लिए समय नहीं मिला। नहा रहे हो, अच्छा सोचो। टॉयलेट बैठा हो, बैठे हो, अच्छा सोचो। भोजन कर रहे हो, अच्छा सोचो। बाल संवार रहे हो, अच्छा सोचो। दफ्तर जा रहे हो, अच्छा सोचो। खेत जा रहे हो, अच्छा सोचो। हर समय अच्छा सोच सकते हो, उसमें क्या लगेगा आपका? जो आदमी अच्छा नहीं सोच सकता, जो सकारात्मक विचार नहीं सोच सकता, किंतु जिस जो बराबर गलत सोचता है, उससे बड़ा दरिद्र दुनिया में और कोई नहीं है। और जो आदमी सकारात्मक विचार नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं सोच सकता, बराबर निगेटिव सोचता है, उस आदमी को सबसे बड़ा हार्ट रोग हो चुका है, उसकी दवा किसी डॉक्टर के पास है नहीं। ये हमारा बनाया दुर्भाग्य। मैंने कहा अच्छा सोचना हर किसी के लिए, हर किसी के लिए अच्छा सोचना है, सब किसी के लिए। आप कह सकते हो जो हमारा दुश्मन है, जो हमारा बैरी है, जो हमारा विरोधी है, जो रात दिन हमें पीड़ा दे रहा है, उसके लिए भी? हाँ, उसके लिए भी। पहली बात तो उसकी याद मत करो, और जब उसकी याद हो जाए तब ये सोचो उसका भला, उसका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, वो सुख से जिए। आपके ऐसा सोचने से उसका भला हो या ना हो, आपका भला तो हो ही जाएगा। अपनी भलाई के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें अच्छा सोचना है। हर समय अच्छे विचार, हर समय अच्छे विचार मन में, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये सबसे बड़ी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं धर्म के नाम पर, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नाम जपते हैं, हम अंतर्पण करते हैं, आरती वंदना गाते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु की सेवा भक्ति करते हैं, सबका फल होना चाहिए मन का अच्छे विचारों में ढल जाना। सारे गलत विचार, निगेटिव विचार, ईर्ष्या द्वेष के विचार मन से सर्वथा निकल जाना, इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा आपको? कहां मिलेगा? यदि आप एयर कंडीशन भवन में निवास कर रहे हैं, मखमल के मखली गद्दे बिछे हुए हैं, बढ़िया आराम, फूल की सैया पर बिछी हुई पर लेटे हैं, लेकिन मन में नकारात्मक विचार है, ईर्ष्या द्वेष घृणा के विचार है, तो फूल की सैया आपके लिए कांटों की सैया बन जाएगी। एयर कंडीशन मकान में भी आपका शरीर ठंडाता रहेगा और मन जलता रहेगा। लेकिन यदि आप एक फूस की झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, सूरज तप रहा है और नीचे कंकड़ी जमीन पर आप लेटे हुए हैं, सकारात्मक ज्ञान भक्ति दया क्षमा प्रेम के विचार अच्छे विचार मन में है, तो कंकड़ी जमीन आपके लिए फूलों की सैया बन जाएगी। ये बाहर फूल की सैया, वो सही फूल की सैया नहीं है, असली फूलों की सैया है हमारे मन के, हमारा पवित्र मन, निर्मल मन, अच्छे विचारों में डूबा हुआ मन। और कांटों सैया है गंदा मन, मलिन मन, अपवित्र और नकारात्मक विचारों में डूबा हुआ मन। तो सुख से जीना है तो मूल मंत्र याद रखना होगा, जो सोचे जब सोचे अच्छा सोचे, सबसे सरल साधन। दुनिया में सबसे सरल काम यदि है तो वह है कल्याण का काम, वह है शांति का काम। कुछ लगेगा नहीं, उसके लिए करना क्या है? सिर्फ अच्छे विचारों में मन को डुबा करके रखना। और जो मिला आपको है, आपको जो मिला है सबके लिए धन्यवाद का भाव रखो।
शिकायत होती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे जितना मिला है ना, बहुत मिला है। प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो सबको बराबर दिया है। खुला आकाश, कभी सोचा आपने? खुली हवा, जहां रहते हैं वहीं आपको प्राणपद हवा मिल रही है, ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, इसके लिए टैक्स पटा रहे हो क्या? सूरज की गर्मी मिल रही है, कितना टैक्स दे रहे हो? क्या करो उसके लिए? पीने को पानी मिल रहा है, चलो धरती मिल रही है, स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, और क्या चाहिए? खुली चांद सूरज का प्रकाश, खुला आकाश, सितारों का प्रकाश, प्राणपद वायु, आग मिली है, हवा मिली है, पानी मिला है, जमीन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, सारी इंद्रियां स्वस्थ मिली है। कभी इनके लिए आपके मन में धन्यवाद का भाव आया? कृतज्ञता का भाव आया? ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, शिकायत तो है, लेकिन जो जो मिला है उसके लिए आपने कभी आभार प्रकट किया? कभी धन्यवाद दिया? जो जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत है ना, ये आपके लिए बंधन का कारण, यही आपकी पीड़ा का कारण है। जो जो मिला है, अब बहुत कुछ मिला है, सोचिए जरा एक अकाले बैठ करके, सुख से जीना है, ये अभाव असंतोष शिकायत को दूर करना है, तो जो जो मिला है उसके लिए सब समय आभार धन्यवाद कृतज्ञता व्यक्त करते चले जाएं। इतना संतोष हो, इतना आनंद रहेगा जीवन में, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि हमें सुख से जीना है, प्रसन्नता आनंद से जीना है, तो करना क्या है? थोड़ा थोड़ा निवेदन, पांच बातों पर मैंने किया। प्राप्त समय, शक्ति, योग्यता के अनुसार से भरपूर परिश्रम, किसी भी काम के प्रति घृणा नहीं करना है। सेवा और निर्वाह के जो भी काम है सब पूजा के काम है, इसलिए किसी भी हर काम को पूजा समझ करके करें। उससे जो उपलब्ध हो जाए उसमें पूरा संतोष रखें, दूसरे की चीजों को देख करके ललचाए ना। जहां रहते हैं परिवार में प्रेम और विश्वास बना करके रखें, सेवा करते चलें, और भी निष्काम भाव से सेवा करते चलें, मीठी वाणी में बात करते चलें, और हर समय अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, दया, समग्र विचार मन में रखें, और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद आभार का भाव मन में रखें। कहीं क्लेश चिंता तनाव के लिए गुजारते हैं, पूरा जीवन आनंद से क्लेश से भर सकता है, कुछ हर आदमी ये काम कर सकता है। इसी के लिए ही हर संगत की आवश्यकता होती है। हमें मानव जीवन मिला है खींचने के लिए, शिकायत करने के लिए, दुखी होने के लिए। दुखी होना मजबूरी नहीं है, दुखी दुख किसी के भाग्य में नहीं है, दुख हम बनाते हैं स्वयं। ये दुख को मिटाएं, प्रेम से, समता से, शांति से, आनंद से जीवन व्यतीत करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस समय अपने वाणी को यहीं पर विराम।